पार देश
ग्रीष्मलीन युग में ये कलयुग है। कलयुग में जो तुम करोगे उसका फल तुमको अवश्य मिलेगा। इस कलयुग में उस महापुरुष ने विचार किया, कब विचार किया, जब यहाँ पर जीव त्रस्त हो गए, परेशान हो गए और घर जाने का रास्ता भूल गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें, किस परमात्मा को याद करें जो हमारी मदद कर दे। तब यहाँ पर सोते जीवात्माएं, साधक प्रेमी मनुष्य ने अपने अंतर से कहा, हे परमपिता परमेश्वर, हे सर्वेश्वर, हम पर दया करो। जब इस तरह की आवाज यहाँ मृतलोक में लगी तो ऊपर अनाम देश में बैठा हुआ मालिक, जो सबका मालिक है, उसने सुना तो अपने दरबार से संतों को भेजा। प्रकट संत आए, सर्वप्रथम प्रकट संत कबीर साहब इस धरा पर आए और उन्होंने बहुतों जीवों का उद्धार कर दिया और बहुतों को नामदान दिया। बहुत तो पास हो गए उनके समय में। और यही हाल अपने गुरु महाराज का, गुरु महाराज ने भी बहुत से लोगों को नामदान दिया। जितनी बड़ी संगत परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की थी या है, उतनी बड़ी संगत किसी और संत की नहीं है। क्योंकि जब आप सन 2011 या 12 में गए होंगे तो मथुरा में बैठने की जगह कम पड़ गई थी, आधे बैठे रहते थे सत्संग स्थल पर तो आधे टेंट में रहते थे तो आधे मेला घूम रहे होते थे। तो जो सबके सब अगर बैठ जाते तो सबके सब पार चले जाते। तो उसमें तीन प्रकार के लोग थे, कोई तो गुरु महाराज के समक्ष जाकर के सत्संग सुनना पसंद करता था, कोई ये सोचता था चलो भाई इसमें भीड़ होती तो हम यही माइक के पास अपने टेंट के पास बैठ करके ही सुन लेते हैं, और कोई सोचता था कि बाबा जी हैं, दर्शन करने आए, जो देना होगा तो दे देंगे, मथुरा वृंदावन देखा और चुपचाप चले आए। नाम दान तो उनको मिल गया, नाम का पट्टा मिल गया। जब नाम का पट्टा मिल गया तो उनको पुनः मनुष्य शरीर मिलेगा, लेकिन भजन तो करना ही पड़ेगा। बिना भजन किए कोई काम बनने वाला नहीं है। गुरु महाराज ने साफ साफ कहा कि मेरे जीते जी तुम सुमिरन भजन ध्यान कर लो, आगे हो सकता है नामदान ना मिले। अगर कोई नामदान देता है गुरु महाराज की गैर हाजिरी में तो उसका जिम्मेदार वही होता है, कोई दूसरा नहीं। हमारे गुरु महाराज इसके जिम्मेदार नहीं होते हैं। जैसे आप लोग दूर दूर से चल करके आए हो इसलिए कि चलो बड़ेगा में गुरु महाराज अखंड रूप से विराजमान है, वहाँ पर बताते हैं कि अनुभव होता है, दिखाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है, तो इसमें हमसे पूछने की जरूरत नहीं, खुद तुम उस क्रिया को करो जो तुमको गुरु महाराज ने बताया है। अगर आपको अनुभव नहीं हुआ तो मुझसे मुलाकात करो, मैं भी तुम्हारी तरफ से गुरु महाराज से प्रार्थना करूंगा। वैसे जो तुम्हारे अगल बगल गुरु भाई बहन बैठे हैं उनसे आपस में बातचीत कर लिया, वो भी बता देंगे कि भैया इस तरह से ये काम करना है और इस तरह दिखाई सुनाई पड़ेगा और ये तुमको करना पड़ेगा। बैठ करके नहीं कर सकते तो लेट करके करो, लेट करके नहीं कर सकते तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते। तब चुल्लू भर पानी में नाक रखो और भूख के मर जाओ। जब सोने के समय भी तुमको समय नहीं मिलता है तो किस लिए नाता तुमने धारा है? तुमने गुरु महाराज से और इस त्रिलोक के प्रभु से कॉल किया कि अब प्रभु दया करो, यही बाती सब तक भजन करब दिन राती। तो तुमने कॉल करा तो गर्भवास में किया, जब वहां दुर्गंध आ रही थी और तुमको जठाग्नि से जलन हो रही थी कि हमको जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी बाहर कर दो और हम तुम्हारा भजन करेंगे। 6 महीने तक तुम मुट्ठी में बांधे रहे कि हम उस काम को करेंगे। उसके बाद में
जब यहाँ संसार की चीजें मिलने लगी तो 2 साल के हुए तो कुछ और दिमाग बदला, 5 साल के हुए तो और बदल गया, 12 साल के हुए तो एकदम से बदल गया। अब राम राम तो गया छूट। अगर कथा भागवत कहीं गए तो ठीक से सुना तो सुना, और नहीं सुना तो कोई बात नहीं। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमको खोज तब तक करनी चाहिए जब तक सांचा गुरु ना मिल जाए। जो गुरु पूरा होगा वही तुमको हर धाम का भेद बताएगा, वही तुमको उस स्थान तक ले जाएगा। या जिस गुरु भाई साधक प्रेमी को गुरु महाराज का हुक्म होगा वो तुमको बताएगा, समझाएगा और उस देश तक तुमको जाने में मदद करेगा, वो भी मदद करेगा। इसीलिए कहा है, साफ साफ प्रार्थना में लिखा है, साध संग मैं देव निज परम गुरु दा दास। अगर साध का संग करोगे जो साधना रोज करता है तब भी तुम्हारा काम बन जाएगा। साध भी तो उसी देश को जाता है जब गुरु के दर्शन करके आता है, तो उसके अंदर जो क्षमता पावर होगी उस पावर के जरिए तुम भी चले चलोगे। और चले इसलिए चलोगे क्योंकि जिस गुरु का भजन वो करता है उसी गुरु को तुम भी भजोगे। रास्ते में जो रुकावटें आएंगी उसके लिए वो तो आगे आगे है ही, और आगे वो साधक भी नहीं होता। दाहिने हाथ पर तो गुरु महाराज 2400 घंटे हाजिर नाजिर रहते हैं, दाहिने हाथ पर गुरु महाराज चलते रहते हैं, पीछे पीछे संगत जाती रहती, कोई एक दो तो जाता नहीं, बहुत से आते जाते हैं। गुरु महाराज के जमाने में गुरु महाराज भी साफ साफ मंच से कहा करते थे कि बच्चों इसमें जो बैठे हुए हैं बहुत से ऊपर आते जाते हैं, पर यह नहीं बताया कि फल आते जाते हैं। तो आने जाने के लिए तो बहुतों को बताया कि बहुत से आते जाते हैं और आते जाते भी हैं। अब जो गुरु महाराज को हाजिर नाजिर मान करके सुमिरन ध्यान भजन करता है उसका तो भजन बनता है। या साधक प्रेमी ये समझ बैठा कि गुरु महाराज चले गए पर अभी शब्द रूप से अंतर में विराजमान है, चलो हम वही मान करके चेक करेंगे, उसका भी बन जाता है। और जो ये सोचता है कि गुरु महाराज एकदम से चले गए अब तो ये मालिक है या वो मालिक है, उनसे काम होगा या इनसे काम होगा, तो इनसे उनसे कोई काम होने वाला नहीं है। जो गुरु महाराज से नामदान ले रखे हैं उनको तो अपने गुरु को ही भजना पड़ेगा। और गुरु महाराज ने साफ साफ ये कहा है कि सतयुग आने पर मैं एक हाथ की बाल नाप करके तुमको दिखा दूंगा बच्चू। तो अभी उन्होंने सतयुग महाराज तो आ चुके हैं, दूसरी जगह नहीं बताया जाता, हम तो साफ साफ बताते हैं सतयुग महाराज आ चुके हैं। देखो लड़ाई मैदान में होती है, बॉर्डर पे होती है, तो सेना अपनी लड़ती है, हम आप तो लड़ने वहां जाते नहीं कि जाते हैं। उस देश की और इस देश की सेना में जो है लड़ाई होती है, कौन विजय प्राप्त करता है उसको तो मालिक जाने। पर यहाँ पर जो दिक्कत है वो ये है कि हमें संघर्ष करके अपने गुरु महाराज के पास जाना है। अगर आप दूसरे गुरु के पास या दूसरे किसी के पास आप जाएंगे उससे कहेंगे तो वो तो यही कहेगा कि मन जब तुम्हारा लग जाएगा रुक जाएगा तो तुम्हारा सुमिरन ध्यान भजन बन जाएगा। पर जब उसको यही नहीं मालूम कि मन रुकेगा कैसे, ये भी तो बताना होगा कि तुम इस तरह से भजन करोगे तो तुम्हारा मन रुक जाएगा, तुम्हारा मन बुद्धिचित्त एकाचित्त हो जाएगा, तुम्हें दिखाई सुनाई पड़ने लगेगा और तुम्हारा सारा काम बन जाएगा। जब खुद को नहीं मालूम तो दूसरे को क्या बताएगा। और आप सब मोटी मोटी बात समझ लो एकदम साफ साफ, जिस देश से हमारे गुरु महाराज आए वो अनाम महाप्रभु, उसके बाद में 3 देश और हैं, अगम अलख सत्यलोक धाम और अनामी पुरुष का तार, ये मिला करके 4 हो गए। तो गुरु महाराज बराबर बताया करते थे इन तीनों में मेरा रूप, मतलब 3 देशों में उनका स्वरूप है। असली तो अनाम पुरुष का तार है, वही हमारा असली
घर है, पर हमको सबसे पहले सत्यलोक धाम पहुंचना होगा। सुमिरन ध्यान भजन करके मन में अपने गुरु की गुनावन करके, अगर मन गुरु की गुनावन करता है, गुरु की यादगारी करता है, तभी सुमिरन ध्यान भजन बनेगा। अगर मन गुरु को याद ही नहीं करेगा तो सुमिरन भजन ध्यान कहां से बनेगा। और जो भी साधक हैं, जो भी गुरु भाई बहन हैं, या इंटरनेट के माध्यम से यहां का जो सत्संग जाता है उसको सुन करके वो साफ साफ कहें मालिक से, उस परम पिता परमेश्वर से, गुरु महाराज से कि हे मालिक, ये मन बुद्धि चित्त का मसाला आपका दिया हुआ है और आपके देश का है, कृपा करके आप इसको कंट्रोल में कर दो, अपने पास ले लो, हमारा सुमिरन ध्यान भजन बन जाए। जब इस तरह से आप प्रार्थना करोगे तो मसाला तो वहीं से सारा आया है, वही त्रिलोक में मसाला नया तैयार नहीं हुआ है, भंडार जो है वो सत्यलोक धाम से ही आया है। तो जब सत्यलोक धाम के मालिक से आप प्रार्थना करोगे तो आपका मन बुद्धि चित्त रुक जाएगा और आपका सुमिरन ध्यान भजन बनने लगेगा। और इस तरह सीधे सीधे कह दिया जाए कि तुम्हारा मन रुकेगा तब भजन बनेगा, तो मन रुकने के लिए भी तो कोई रोकने वाला भी तो होना चाहिए। मन तो घोड़ा ही है, इधर उधर धमा चौपड़ी भरता रहता है। तो प्रेमियों, हम इस तरह से गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि हमारा सुमिरन ध्यान भजन बन जाए, मन बुद्धि चित्त जो जहां का मसाला है उसको आप वहां रख दो और हमारी जीव आत्मा को आप दक्षिणा स्वरूप स्वीकार कर लो। इससे ज्यादा देने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि यह देश नाशवान है, रुपया आता जाता है, रुपए से कोई चीज खरीदी नहीं जा सकती, आध्यात्मिक शारीरिक कर्म करके कुछ प्राप्त किया जा सकता है। पैसे की जो सेवा होती है, जो रुपए की सेवा होती है, सबसे छोटी सेवा होती है, पर हर जगह इसकी जरूरत है, बिना इसके काम भी नहीं चलता है। तो प्रेमियों, हर तरह से समझ बूझ करके हमको तुमको काम करना है और अपने गुरु के सहारे रहना, किसी दूसरे के सहारे नहीं रहना है। तुम्हारे साथ कोई साधक प्रेमी है, पुराना है, उसको अनुभव हो रहा है, दिखाई सुनाई पड़ रहा है, आप उससे पूछ लो। अगर वो नहीं बताता है तो सबसे बड़ा गलत काम करता है, सबसे बड़ा पापी वही होता है, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा है कि जो ये है इनसे पूछते रहना। तो जब आपको पता चल जाए और उसको बताना चाहिए कि भैया इस तरह से नहीं, इस तरह से कान में उंगली लगाओ तो तुम्हें सुनाई पड़ेगा। और देखो, सर्वप्रथम जब गुरु से प्यार होगा, तुमको गुरु से प्यार हो जाएगा, गुरु में तुम्हारा मन लग जाएगा, गुरु महाराज के दर्शन तुमको होने लगेंगे अंतर में, तत्पश्चात प्रभु राम के दर्शन होंगे, इस त्रिलोक के मालिक के दर्शन होंगे। और काल को कहते हैं समय। जैसे तुमने मोबाइल फोन उठाया और दो मिनट बात किया तो दो मिनट की तुम्हारी काल हो गई। जिस समय अंतिम समय आता है उसको कहते हैं काल का समय। काल माने समय, किस समय पर ये चीज हो गई, और किसी को इस तरह काल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि डोरी तो किसी दूसरे के हाथ में है। राजा प्रभु राम है यहाँ के, वो तो अपनी गद्दी पर बैठे हैं, उनकी जो देवी है वो सबके ऊपर माया का पर्दा डाल के रखी है, उससे नीचे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, वो अपने अपने काम करते हैं। धर्मराज और जमराज ये दो लोग हैं, जो अच्छे काम करते हैं उनको धर्मराज ले जाते हैं, जो बुरे कर्म करते हैं उनको जमराज ले जाते हैं।